दोस्तों नमस्ते, चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। अभी आज जो फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग 30 अप्रैल तक का है, उसमें मैं आप लोगों को जिनकी रीडिंग होने वाली है, जिनके सिलेक्शन हुआ, उनके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। 30 अप्रैल तक जिन्होंने रीडिंग की रिक्वेस्ट डाली थी, उनमें से जिनकी कुंडली सिलेक्ट हुई है, उनके सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। दो सवालों के जवाब जिनकी सिलेक्शन हुई है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जुपिटर जो है, गुरु जो है, उन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया है फर्स्ट ऑफ मई में। गुरु ने अपना राशि परिवर्तन करके एरीज से ट्रांसफर शिफ्ट होके वो टॉरस में आया है, मतलब मंगल की राशि से शिफ्ट होके वो शुक्र की राशि में आया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ चीज़ें हम लोगों को क्लियर कर लेनी चाहिए। एट प्रेजेंटली जो अगले एक साल का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में हम लोगों को अपने लिए कोई भी, आप किसी भी लगन के हैं, किसी भी राशि के हैं, या किसी भी जोडियक साइन को आप अपना सनशाइन मानते हैं, जोडियक साइन मानते हैं, आप कुछ भी किसी भी चीज़ को मानते हैं, आप टैरो को मानते हैं, एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, न्यूमरोलॉजी को मानते हैं, या सबको मानते हैं, उन लोगों के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। गुरु का, देव गुरु का, मतलब जो जुपिटर है वो देवों के गुरु हैं, और जो शुक्र हैं वो राक्षसों के गुरु माने जाते हैं। तो गुरु का गुरु के घर में प्रवेश करना एक तरीके से हम लोगों को एक इंडिकेशन ज़रूर देता है कि लाइफ में एट प्रेजेंटली एक साल के लिए हम लोगों को हमारे जीवन में जो भी गुरु हैं या जो भी बड़े हैं, उन लोगों का सम्मान करना वैसे भी करना चाहिए, लेकिन इस वक्त उन लोगों की बात सुन के चलना ज़्यादा बेहतर होगा। उन लोगों का, उनके विचार हो सकता है आपके साथ मैच ना करें, हो सकता है कि आपके परिवार में एक से ज़्यादा बड़े हों और उन लोगों के विचार आपके लिए, आप लोगों को अलग अलग लगे, तो दोनों का सम्मान करके आपको, ऐसा नहीं है, दोनों का सम्मान करके आपको अपना एक पाथ चूज करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपको एक ही पाथ चूज करना है, कोई एक जगह, एक रास्ता चुनना है, तो दोनों को रेस्पेक्टफुली, एक जिनको आप डिक्लाइन कर रहे हैं उनको भी रेस्पेक्ट दीजिएगा, जिनके ओपिनियन को आप डिक्लाइन कर रहे हैं उनको भी रेस्पेक्ट दीजिएगा, और जिनके ओपिनियन को आप ले रहे हैं उनको भी रेस्पेक्ट दीजिएगा, और दोनों को इक्वल रेस्पेक्ट दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे शुक्र और गुरु जो है शुक्र के घर पे आए हैं। एक और चीज़ है, लाइफ में और इस दुनिया में अगले एक साल के अंदर अंदर कई सारी फैक्ट्स, जो फैक्ट्स थे जिनके ऊपर गौर नहीं किया गया है, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ पे हो, या आप सोशल लाइफ पे हो, या आप वर्ल्ड, मतलब नेशन लेवल का हो या वर्ल्ड लेवल का, उन सारे फैक्टों पे अब फोकस किया जाएगा। कई सारी चीज़ें जो जान के भी अनजान की जाती हैं, उन चीज़ों में फोकस होनी शुरू होगी। ये एक साल के अंदर आपके जीवन में भी अगर कोई भी फैक्ट्स या कोई भी चीज़ें जो आपने दबाई हुई हैं, या आपको लगता है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, दूसरी चीज़ों को ज़्यादा फोकस करें, तो मैं आप लोगों को सावधान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन फैक्ट्स के ऊपर भी फोकस करना शुरू करिए, जो फैक्ट्स आपको लगता है कि ये रेलिवेंट नहीं है। सोच समझ के डिसीजन लीजिए। गुरु एक जुपिटर, एक बड़ा प्लैनेट है, और हमेशा स्लो प्रोसेस पे काम करता है। एक साल एक घर पे रुकता है, और अभी मित्र शुक्र की राशि में रुका है। शुक्र भी एक गुरु है, राक्षस गुरु है, और शुक्र गुरु के मित्र नहीं है, लेकिन सम्मान करते हैं। तो सम्मान देना और सम्मान देके ही सम्मान प्राप्ति का अभी समय आया है। अगर आप कहीं पे भी किसी को छोटा दिखाने का, या रिवेंज लेने का, या अहंकार, मतलब एरोगेंस में कुछ करने का अगर आप सोचेंगे, तो वहाँ पे आपको फॉर सर्टन आपको लॉस होने के चांसेस हैं, कोई भी जोडियक साइन हो आपका। और अगर आप कहीं पे भी सोचते हैं कि रेस्पेक्टफुली अगर आप कुछ काम करेंगे, तो जो आप किसी इंसान को पसंद भी नहीं करते, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे कि उनके साथ रेस्पेक्टफुली डील करने के लिए, तो शायद आपका काम बन जाए आपका। ये एक्चुअल में भी नेचर है, लेकिन ये होने के चांसेस हैं। बहरहाल इसमें ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है। बहरहाल दूसरी चीज़ें एक बात बता देता हूँ, हाँ, ओपिनियन भी डिफरेंट होंगे, तो उन ओपिनियंस पे फोकस करिएगा, रेस्पेक्टफुली डिक्लाइन करिएगा, रेस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करिएगा, दोनों को एक ही लेवल पे जज करिएगा तो बेहतर रहेगा। दूसरी चीज़, अगर आप फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज करिए, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर देता हूँ उस पर सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना ही, व्हाट्सएप मैसेज ही अलाउड है फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग के लिए। और जब मैं फ्री होता हूँ तभी मैं रिस्पांस दे पाऊँगा, दो सवालों के जवाब देता हूँ। सिलेक्टेड कुंडलीज की रीडिंग होती है, अगर जिनकी आप जितनी कुंडलियाँ भेजते हो उसमें से जिनकी सिलेक्शन होती है उनकी रीडिंग करता हूँ मैं, उनके दो सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ मैं। तो व्हाट्सएप पे ही मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप पे ही रिस्पांस मिलेगा आपको। बहरहाल
जो कुंडली अभी सिलेक्ट हुई है, पहली जो कुंडली है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये अभिषेक जी की कुंडली है। अभिषेक जी ने मुझसे पूछा जी कि वो ट्राई कर रहे हैं अब्रॉड जाने का, और कोशिश कर रहे हैं जी कि उनको नौकरी मिल जाए, नौकरी के बेसिस पे आप अब्रॉड जाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, समय तो आपका, देखिए देखो अभिषेक जी, आपका जो मार्च का आपका जो मार्च कह रहा हूँ माफ़ कीजिएगा, 3 नंबर का लगन है, मतलब आपका जैमिनी लगन है, और जैमिनी का मालिक शुक्र माफ़ कीजिएगा बुध होता है, और बुध अपने छठे अपने ही घर में चौथे घर में जाके बैठ गया है। लग्नेश का चौथे घर में जाके बैठना यहाँ पे अच्छा फलदायक है। राहु और सूर्य के साथ बैठा है और लग्नेश उच्च होके बैठा हुआ है, तो आप अपने आपके लिए ये अच्छा पॉइंट, अच्छा मतलब लग्नेश का पोजिशनिंग अच्छा है। राहु के साथ बैठने के कारण कोशिश आप ज़रूर कर सकते हैं जो कि आप अब्रॉड की नौकरी ढूंढने का, अगर आप अपने बर्थ प्लेस से दूर नौकरी करते हैं या ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आपको चांसेस ज़रूर मिलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि 12वें घर से हम बाहर क्या देखते हैं, 12वें घर का मालिक कहाँ बैठा उसको देख के हम बता सकते हैं जी कि क्या बाहर जाने के आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनती है कि नहीं बनती है। यहाँ पे जो 12वें घर का मालिक है वो शुक्र है, और शुक्र 12वें घर का मालिक होकर तीसरे घर में बैठा है, सूर्य के लगन पर बैठा, सूर्य तीसरे घर पर चौथे घर पर जाके बैठ गया है, बुध के साथ बैठा हुआ है। शुक्र के तीसरे घर में बैठने के कारण जो कि 12वें घर का कारक हो गया, अगर तीसरे घर में बैठा है मतलब 12th हाउस का लॉर्ड हो गया, अगर 3rd हाउस में बैठा हुआ है तो जो भी अगर आप बाहर जाने का, और आपकी शुक्र की भी महादशा भी चल रही है जो कि अच्छी बात है, तो अगर शुक्र की महादशा अगर 3rd हाउस पर बैठा हुआ है तो यहाँ पर आप अपनी मेहनत से ही जाएंगे, अपने कर्मों की मेहनत से जाएंगे, और हमें अब यहाँ पर 3rd लॉर्ड का पावर देखना पड़ेगा। 3rd लॉर्ड का पावर यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सूर्य है वो 4th हाउस में बैठ के जरूर दिखा रहा है आपको, कहीं ना कहीं अपने माता और अपने छोटे भाई बहनों से, अगर कोई छोटा भाई बहन है, या अपनी माता या अपने घर से कोई सपोर्ट लेना पड़ेगा, अपनी मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपके चांसेस बनेंगे जबकि आप कहीं ना फॉरेन में सेटल होने के या फॉरेन में अब्रॉड जाने की कोशिश आप सक्सेसफुल हो सकें। आपके पास पहले बहुत सारे चांसेस आए थे, उस टाइम पे पता नहीं आपने कोशिश किया या सोचा या नहीं सोचा, नहीं कह सकता, लेकिन इस पॉइंट पे आपके शुक्र के शनि की अंतरदशा चल रही है, और शनि की अंतरदशा भी माना जाए तो भाग्यश की अंतरदशा है, क्योंकि 11th हाउस जो शनि जो एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न का ओनर है वो 8वें और 9वें घर का मालिक हुए 10वें घर पर बैठा हुआ है, तो इस कारणवश यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट और 8वें घर का सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, लेकिन शनि यहाँ पर ज़रूर चौथे घर को देख रहा है, इसलिए यहाँ पर कम्फर्ट और जो बेनिफिट्स है वो घर से बनाता हुआ दिख रहा है। अगर मैं आपको ये बोलूं जी कि आप अपना घर अपना परिवार अगर बाहर सेटल है आपका तो उनका सपोर्ट ले तो बेहतर है, अगर वो नहीं लेते हैं तो आपको यहाँ पे मुश्किल होगी अब्रॉड जाने की। अगर आप टाइम पीरियड की बात करें तो अभी शनि के टाइम पीरियड में चांसेस थोड़े कम हैं, क्योंकि जो शनि का अच्छा टाइम पीरियड था वो निकल चुका है, अभी अप्रैल के महीने तक चांसेस फिर भी थे, उसके बाद का जो अभी जो चांसेस है वो गुरु अगर मतलब वैसे है, अभी भी चांसेस हैं, ऐसा नहीं, हाँ अभी भी चांसेस हैं, अगर आप वर्क के बेसिस पे या किसी बिजनेस या फैमिली मेंबर के बेसिस पे अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। शुक्र की महादशा में आप बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं जाने की, आपके टाइमिंग बहुत अच्छी कोशिश करेंगे तो रहेगी, इससे पहले चले जाते तो अच्छा रहता, लेकिन अभी आपका जो शुक्र की महादशा है, शनि की अंतरदशा सेप्टेम्बर महीने तक रहेगी, शनि के बाद बुध की अंतरदशा लग्नेश की अंतरदशा लगेगी, उस टाइम पर और अच्छा समय लगेगा, उस समय पर हो सकता है आपको अच्छी ग्रोथ मिले, आप अपनी मेहनत अपने पे फोकस कर सके और आप आगे बढ़ सके, तो कोशिश ये करिए। देखिए यहाँ पे सिंपल लॉजिक यहाँ पे यही है कि आपको ये नहीं सोचना जी कि कितनी मेहनत करनी है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है, अपनी मेहनत से आप फॉरेन अगर सेटल होना चाहते हैं, फॉरेन नौकरी ढूंढना चाहते हैं तो आप अपनी मेहनत से ही कर पाएंगे, अपनी मेहनत से ही आपको मिलेगा, ये बोलने की मेरी इंटेंशन है। चंद्रमा भी दूसरे घर में बैठे हैं तो परिवार का सपोर्ट और अपनी मेहनत, अगर आपको आपको अपनी मेहनत करते रहनी पड़ेगी, परिवार का सपोर्ट आपको लेते रहना पड़ेगा, तब आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बहरहाल ये था मेरी रीडिंग, समय 2028 तक का समय है आपके पास, फिर भी बता देता हूँ, हाँ जी 2028 का समय, सूर्य के समय में भी आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे घर से ज़्यादा लाभ होने के ज़्यादा चांसेस है, घर पे रह के ज़्यादा लाभ होने के ज़्यादा चांसेस है, बट फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं। तो ये थी मेरी रीडिंग आपके लिए, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई। अगली कुंडली पे चलते हैं, अगली जो कुंडली है वो काजल जी की है। काजल जी आपका जो लास्ट नंबर है 94 है मोबाइल का,
आपने मुझसे एक सवाल पूछा था जी कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने मुझसे ये पूछा जी कि क्या शनि के पहले घर पे होने के कारण क्या शादी का योग नहीं बनता है, शादी का योग आपकी कुंडली में नहीं है क्या? आपकी कुंडली में भी, आपने सही बोला, आपकी कुंडली में भी शनि है और शनि 11वें घर पे है और जी हाँ 18 डिग्री का शनि है, तो अच्छी अवस्था में शनि है यहाँ पे। शादी का योग नहीं बनता उसकी, शनि जो है वो शादी में डिले करवा सकता है क्योंकि सीधा सीधी दृष्टि दे रहा है, लेकिन अपने अपने ही घर में बैठा है शनि यहाँ पे, तो यहाँ पे शनि जो है अब अगर अपने ही घर पे बैठ जाए तो अपना अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना लेता है, पर्सनैलिटी थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है, लॉजिकल हो जाती है, जजमेंटल हो जाती है, अपने आप को बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी कर लेता है पर्सन। अब आपका सवाल है क्या मेरे जीवन में शादी का योग नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, शादी का योग है, बस आपका क्या बोलते हैं, अगर यहाँ देखें तो शादी का जो योग है वहाँ पे थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि पर्सनैलिटी आपकी थोड़ी सी स्टर्बन है, और दूसरा ये कि आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो एक स्टर्बन पर्सनैलिटी की तरह, मतलब एक थोड़ी सी मैं स्टम्बिन स्टबन मतलब जिद्दी भी नहीं बोलूँगा, स्टबन भी नहीं बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा जी कि आप अपनी पर्सनैलिटी में सही और गलत का चयन बहुत सोच समझ के करती हैं, और आपने जो डिसाइड कर लेती हैं सही जो सही है वो गलत जो जो गलत है वो गलत है, उस हिसाब से आप चलती हैं। आप मोस्टली हमेशा इस प्रोसेस में जब रहती हैं तो आप सही होती हैं, जो आप सही चूज़ करती हैं सही कर लेती हैं, और जो गलत करती हैं तो जो गलत समझती हैं वो गलत होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस कारणवश थोड़ा सा पर्सनैलिटी में यहाँ पे हम जब किसी के शादी करने जाते हैं तो लीनियंसी लाने की थोड़ी सी ज़रूरत होती है, हालांकि आपकी अब एज होने लगी है तो आपके अंदर धीरे धीरे लीनियंसी आएगी, ऐसा नहीं है नहीं आएगी। शनि शादी का कारक यहाँ पे नहीं है लेकिन ग्रोथ का कारक है, लव मैरिज का कारक है, तो अगर आप शनि का अगर लगन में बैठा हुआ है तो ये ज़रूर कह सकता हूँ जी कि शायद आप अपनी पसंद के इंसान से ही शादी करें, उसके अलावा नहीं करेंगी, सही गलत देख के करेंगी, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ रीज़न है यहाँ पे डिले होने का। मुझे जो इम्पोर्टेंट रीज़न जो लग रहा है वो डिले होने का शायद ये है कि शुक्र जो है आपके छठे घर में जाके बैठ गया है, शुक्र के छठे घर में बैठने के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है कि शुक्र आपके चौथे घर का मालिक है और भाग्य का मालिक है और छठे घर में जाके बैठ गया, शुक्र को ओवरऑल हम शादी का कारक मानते हैं, और जो आपके सातवें घर का मालिक जो शादी के घर का मालिक है वो चौथे घर में ही बैठा है, शुक्र के घर में ही बैठा हुआ है, तो यहाँ पे चौथे घर के मालिक को उतना पावर नहीं मिल पा रहा है शुक्र से, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र को हम देखते हैं तब हम ये डिसाइड करते हैं जो कि क्या इस पर्सनैलिटी की शादी का जो सिचुएशन है वो रिलेशनशिप का जो सिचुएशन है वो बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। अब यहाँ पे क्या है जो आपका जो शुक्र है वो थोड़ा छठे घर में बैठने के कारण वो थोड़ा खराब है, मतलब पॉइंट ये जी आपका क्यूपिड बीमार है, ठीक है ना, आपका क्यूपिड ही बीमार है, तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब जो कारक है शादी का वो बेचारा खुद ही खराब बैठा हुआ है, तो उसका आप आगे क्या कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा जी कि शादी नहीं होगी, कहीं से भी यहाँ पे मुझे कुंडली में ऐसा नहीं दिखाई देता कि शादी नहीं होगी, कि सूर्य चौथे घर में बैठे हुए हैं। मैं एक बार अच्छे से आपकी महादशा देख के बता देता हूँ, शुक्र की जो अंतरदशा लगेगी वो 2027 के बाद लगेगी, तो उस कारण उस टाइम पे हो सकता है जी कि आप शादी के लिए प्रोग्रेसिव हो, लेकिन इसके अलावा मैं एक चीज़ बता दूं जी कि 2023 से बुध की अंतरदशा लगी है, और बुध आपके एक और बार देख लेते हैं आपकी अंतरदशा को, आपका बुध पंचमेश होके पंचम पांचवें घर पे बैठा हुआ जो कि अच्छा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड अगर आप रिलेशनशिप अगर करना चाहती हैं तो ये समय काफ़ी आपके लिए अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं, और चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है बुध तो ऐसी कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। शुक्र का समय, अभी शुक्र का समय चल रहा है, आप मई के 20 तारीख के बाद आप रिलेशनशिप में, अभी जो आपके अंदर केतु का समय चल रहा है इस कारण थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मई के 20 तारीख के बाद आप कोशिश कर सकते, आपका एक समय अच्छा आएगा, उस समय में आपकी ग्रोथ मतलब आपकी रिलेशनशिप में के होने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं और 25 तक रहने के अच्छे चांसेस हैं, तो यहाँ एक जो टाइम पीरियड है वो आपका अच्छा रहेगा, 25 के मार्च तक का एक जो टाइम पीरियड है मई से जो शुरू हो रहा है 20 मई से अभी के 2024 के, वो एक अच्छा टाइम पीरियड है, आप एक अच्छे रिलेशनशिप में जा सकती हैं, आप इस रिलेशनशिप को फलित भी कर सकती हैं, और इस रिलेशनशिप में आप
शादी की तरफ भी सोच सकती हैं। अभी भी जो समय है 2026 तक के बुध का, क्योंकि यहाँ पे जो बुध है वो पांचवें घर में बैठा हुआ है और पांचवा घर हम रिलेशनशिप का मानते हैं और वहीं का मालिक हो के अगर बुध बैठा हो चंद्रमा के साथ बैठा हो ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे चंद्रमा छठे घर का मालिक हो के यहाँ पे तीसरे घर में बैठा हुआ, पांचवें घर में बैठा हुआ, यहाँ पे सिर्फ यही दिक्कत है कि चंद्रमा और शुक्र जो छठे घर में बैठा हो यहाँ पे आपका जो एक आपका जो प्रेम है आपका जो रिलेशनशिप है उसमें आपको कहीं ना कहीं मुझे जो दिखाई देता है वहाँ पे कहीं ना परिवार का जो एक रोल है उस वजह से हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा हो। आपको अपने डिसीजन मेकिंग में आप सबको इंक्लूड करके चलना चाहते हैं, जो एक एक्वेरियस का होता है जो कि सबको पसंद हो सब कुछ करें, उस वजह से अगर आप रिलेशनशिप में जा रही हैं तो हो सकता है कि आपको अभी तक प्रॉब्लम हुई है। और अभी चल भी शनि की दशा रही है, महादशा रही है, तो आप खुद भी स्टबन है तो मतलब आप खुद भी लॉजिकल थिंकिंग में चल रही हैं तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मैं यही बोलूँगा आपको जी कि आप अपनी एक तो आप माँ दुर्गा या माँ काली की आराधना करना शुरू करिए, कुछ सफ़ेद चीज़ों का डोनेशन करना शुरू करिए, कुछ कन्याओं को खाना खिलाना शुरू करिए, इससे आपका शुक्र मजबूत होगा। और साइमल्टेनियसली एक चीज़ ये बोलूँगा जी कि अपनी डिसीजन मेकिंग में जब आप किसी को पसंद करती हैं तो आप उसके साथ अपना फ्यूचर कैसा रहेगा उसको सोच के ज़्यादा उसके साथ जाइए, वो आदमी कैसा है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है उसको फोकस करके करिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चार चीज़ें सुनेंगी परिवार का सुनेंगी तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। और बाद में जाके मैं सर्टन हूँ आपकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, फैमिली रिलेटेड मुझे दिखाई दे रही है, मैं नहीं जानता ये पूरी तरीके से सच है कि नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो उसको साइड करके अपनी थिंकिंग प्रोसेस पे जाइए। आप अपना थोड़ा सा अपनी जो मैच्योरिटी लेवल है उससे ज़्यादा हो सकते आप, मुझे लगता है शायद आप हैं या आपको लोग आपको समझते हैं इस कारण वजह से आपसे थोड़ा दूर रहते हैं, इस वजह से आपको थोड़े से मैच्योर लोगों के साथ डील करना चाहिए, समझदार लोगों के साथ आपसे आपको बात करनी चाहिए, ज़रूर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं ज़रूर बोलूँगा यहाँ पे जी शुक्र के उपाय ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको मैरिज का अगर आपका यहाँ पे प्रॉब्लम है तो शुक्र और केतु की वजह से है। अभी केतु 20 मई तक है तो इस वक्त तो थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम रहे, लेकिन 20 मई के बाद एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है, आप ज़रूर कोशिश करिए, हो सकता है आपको ग्रोथ मिले, आपको अपनी मन चाहे आपका जो रिजल्ट वो मिलेगा। शनि की महादशा में मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि शनि की महादशा में शादी होगी, आपकी पसंद की लड़के से होगी, आउट ऑफ कास्ट हो सकती है, आउट ऑफ डिस्टेंस में शादी हो सकती है, लेकिन शादी होगी फॉर श्योर। तो ये था आपके ऊपर, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद या समझ में आया हो जो मैंने आपको कहा। आखिरी जो कुंडली है वो हर्षिता की है, उन्होंने मुझसे दो सवाल पूछे हैं कि वो अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो क्या वो उनके लिए सही फील्ड है, और दूसरा उन्होंने पूछा है जी कि क्या इनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या प्राइवेट जॉब लगेगी। पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ हर्षिता, इंजीनियरिंग आपके लिए मतलब ठीक ठाक प्रोफेशन है, ऐसा नहीं करूँगा जी कि ये प्रोफेशन नहीं है आपके लिए, लेकिन ऐसा भी नहीं करूँगा दिस इज़ द प्रोफेशन, इट वाला फीलिंग नहीं है कि दिस इज़ इट यही है, नहीं ऐसा वाला नहीं है। हाँ लेकिन ऐसा नहीं है जी कि इसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। एक और चीज़ है, इंजीनियरिंग आप किस में कर रहे हैं ये आपने मुझे नहीं बताया, अगर आप कंप्यूटर साइंस या आप इंजीनियरिंग ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें आप बाद में जाके कम्युनिकेशन रिलेटेड कुछ काम हो सके, या अगर इंजीनियरिंग आप ऐसी चीज़ों में कर रही हैं जिसमें आप आर्किटेक्चर वगैरह में अगर आप जा रहे हैं ऐसी चीज़ों में अगर आप कर रहे हैं तो ये अच्छा रहेगा, कोई बुरा नहीं रहेगा। अब बात ये कर लेते हैं कि अगर आपको अगर मैं देखूं तो पंचम स्थान का मालिक चंद्रमा पांचवें स्थान में बैठा है, मतलब एजुकेशन का मालिक अपना ही घर पे बैठा हुआ है यहाँ पे, और राहु की दृष्टि पड़ रही है, और इसके अलावा यहाँ पे राहु की दृष्टि के अलावा मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके एजुकेशन अगर देखा जाए तो अगर आप कर रही हैं इंजीनियरिंग में कर सकती हो रहा है ठीक है, लेकिन अभी जो अंतरदशा चल रही है वो केतु की चल रही है, शायद इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस अकेलापन आ रहा होगा और इस वजह से शायद आप थोड़े से परेशान चल रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं जी कि चंद्रमा के पांचवें घर में होने के कारण यहाँ पे चंद्रमा पांचवें घर का मालिक हो के पांचवें घर में होने के कारण यहाँ पे बर्थ प्लेस से दूर हो सकता है आपको एजुकेशन मिली हो। साइमल्टेनियसली ये भी है जी कि अगर आप नर्सिंग या मेडिकल लाइन में जाना चाहती हो तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, आप मेडिकल लाइन या नर्सिंग या सर्जन की लाइन में अगर आप जाना चाहें, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही थी यहाँ पे। अब केतु की अंतरदशा के महादशा के कारण शायद इसमें कुछ बदलाव आया हो, तो अगर आप चाहें
तो अगर आप बदल सकता करना बदलना चाहे अगर या आपका बदलना चाहे मतलब अगर आपके दिल में इंटरेस्ट हो और अगर आपकी फीलिंग ऐसी आ रही हो कि आप मेडिकल लाइन में जाना चाहती हैं तो आप कोशिश कर सकती हैं, वो अच्छा प्रोफेशन रह सकता है। इसके अलावा मास कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन का भी प्रोफेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। सर्विस सेक्टर से आप कुछ भी काम करेंगे उसमें आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिकेशन से आप कुछ भी काम करेंगे, आप एक कंट्रोलिंग फिगर रहेंगे, आपकी कम्युनिकेशन कंट्रोलिंग फिगर मतलब आपकी कम्युनिकेशन में एक कंट्रोल रहेगा और वो भी कंट्रोल एक पैसिव एक अच्छा कंट्रोल रहेगा, एक ऐसा कंट्रोल रहेगा जिसमें सबको आपकी बातें पसंद भी आएँ और आपकी बातें मान जाए, तो कहीं ना कहीं ऐसी ही आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में आपका बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, तो अपने करियर पर उस ऐसी फील्ड पे फोकस करिए जिसमें आपका कम्युनिकेशन, क्योंकि बुध के लगन में होने के कारण और राहु के लगन में होने के कारण और गुरु की दृष्टि लगन में पड़ने के कारण यहाँ पे कई सारी चीज़ें जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो रही हैं। और गुरु की दृष्टि पड़ने का यहाँ पे गुरु ने आप पाइसेस लगन किए हैं तो गुरु ने अपना राशि परिवर्तन करके बुध के घर पर आए हैं, सातवें घर पर बैठे हैं, अपनी घर को डायरेक्ट देख रहे हैं सेवंथ हाउस से। और बुध जिस घर में बैठे हैं जो कि वर्गो के लगन में बैठे हैं वहाँ पे उसका जो ओनर है वो लगन में आके बैठा है, जो कि मतलब गुरु जहाँ बैठे हुए हैं उसका वो वर्गो लगन में बैठे हुए हैं, वर्गो का जो मालिक है वो बुध है और वो खुद जाके लगन में बैठा है, तो यहाँ राशि परिवर्तन हुआ है एक दूसरे का, ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपके स्पाउस के साथ भी अच्छा रहेगा, हालांकि केतु के सातवें घर में बैठने के कारण दिक्कत है, चलो वो बात अलग है। अब बात ये आती है कि करियर आप कैसे फील करें, करियर ऐसी चूज करिए क्योंकि यहाँ पे गुरु मैं देखूँ तो लग्नेश और दसवें घर का मालिक होकर सातवें घर में बैठा है, तो करियर आप ऐसा चूज करिए जिसके अंदर आप फ्यूचर में जाके बिजनेस कम जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाए। क्या आपकी लगन में गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, तो मैं ये बोलूँगा अगर आप गवर्नमेंट जॉब करती हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब आपको कंस्ट्रेंट करेगा, आपको रोकेगा कई सारी चीज़ों में। जितना इस लगन को मैं देख पा रहा हूँ इस लगन में आपकी अपॉर्चुनिटी और भी हो सकती है, आप एक फेमस पर्सनैलिटी की तरफ जा सकते हैं। अगर आप मास कम्युनिकेशन या सर्विस सेक्टर में रहेंगी या आप जैसे मेडिकल फील्ड में रहेगी तो यहाँ पर आपकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है, आपकी कम्युनिकेशन के थ्रू आप अच्छा कमा सकती हैं और आप ट्रैवलिंग अच्छा कर पाएंगे अगर आप कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन रिलेटेड चीज़ों में रहेंगी तो। हालांकि इंजीनियरिंग में भी अगर आप कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, क्योंकि राहु हवा को डिनोट करता है, आपके लग्नेश में राहु बैठा है, तो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड अगर आप पढ़ाई कर रही हैं या आप ऐसी पढ़ाई कर रही हैं जो आर्किटेक्चर रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रही हैं तो वो अलग चीज़ है, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मैं फिर भी यही बोलूँगा जी कि आपको अपनी अपना फोकस अपना करियर कम्युनिकेशन या सर्विस सेक्टर को लेकर करना चाहिए। लॉ भी एक अच्छा फील्ड हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, लॉ भी अगर आप करना चाहें तो फ्यूचर में कर सकते हैं। हालांकि अगर आप अभी इंजीनियरिंग में जा चुकी हैं तो आप इंजीनियरिंग करने के बाद भी फ्यूचर करियर आप फ्यूचर कोर्स में वक्त के हिसाब से चेंज होगा, क्योंकि केतु के बाद अगर मैं देखूं तो शुक्र की अंतर्दशा लगेगी, माफ कीजिएगा महादशा लगेगी 26 में, उस वक्त आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है, आपको मेहनत कहाँ करनी है और शायद कम्युनिकेशन के थ्रू आपको बेनिफिट मिले और आपके अपने कुछ और रीजनों की वजह से आपको उसमें क्लैरिटी मिले। उम्मीद करता हूँ आपके दोनों सवालों के प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में, मैं प्रेफर करूँगा प्राइवेट जॉब और इंजीनियरिंग आप ओके है अगर फील्ड आपने सही चूज़ किया है तो, अब फ्यूचर में आप अदर एजुकेशन लेके भी आगे बढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके बारे में पसंद आया हो, बाकी आप सभी को मुझे धन्यवाद करना चाहिए, आप लोगों के सबका थैंक यू सो मच, आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं और मेरे चैनल भी सब्सक्राइब करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे रहें और गुरु की ट्रांजेक्शन आप सभी के लिए अच्छा रहे। धन्यवाद।